हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्प्रिहेंसिव गीता। हम यहाँ पर आज आपको पढ़ाएंगे के के हैब्बर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस आपके लिख रखे हैं और आपके इसको आंसर देना है। देखो, एक एक हम टॉपिक करके चलेंगे ताकि आप एक एक टॉपिक अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आपका यहाँ से एक एक टॉपिक आपका डेली तैयार हो जाएगा। देखो, एक मैं 2 बजे आपकी जो क्लास होती है, मतलब इंडियन हिस्ट्री की होती है, मतलब इंडियन हिस्ट्री जो आर्ट है उसकी चलेगी, और यहाँ पर एक आर्टिस्ट की चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी ग्रुप हैं वो भी मैं सारे करा दूंगी, साथ साथ में ये भी बताती जाऊंगी आर्टिस्ट जब चलेगा तो कौन से ग्रुप के कौन से कलाकार हैं, ये भी साथ साथ में बताती जाऊंगी। आपके इस तरह से आपके शॉर्ट नोट्स भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल एकदम जुड़े रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग जुड़े रहते हैं, मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगता है, और आप लोग कमेंट करते हैं वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए, तो आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल पढ़ते हैं के हैब्बर के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि के हैब्बर का पूरा नाम क्या था। ठीक है, तो के हैब्बर है कंटेग्री कृष्ण हैब्बर, और कंटेग्री तो यानी कि इनका जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था, एक कंटेग्री एक गांव है, तो उन्हीं का मतलब वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो जल्दी से बताइए कि इनका जन्म कौन से सन में हुआ था। देखो, सबसे पहले चीज तो मैं आपको बता दूं कि देखो बाकी तो मैं आपको बता ही देती हूँ सन क्या है क्या नहीं है, लेकिन आर्टिस्ट की सिर्फ DOB उन्हीं की याद करना जिन्होंने नई शैली की खोज करी होती है या नए शैली में उन्होंने किया होता है। जैसे कि A.N. टैगोर हो गए तो उन्होंने बंगाल शैली का किया था, नंदलाल बोस हो गए तो उनका भी DOB याद कर लेना, भित्ति चित्रकार हैं जो उनका भी याद कर लेना, ग्राफिक का जो उन्होंने बढ़ाया था उनका, मतलब जितने भी आर्टिस्ट हैं जो नई शैली में, मतलब जिनका नई शैली में योगदान होता है, जिन्होंने नई शैली में योगदान दिया है, उनका सिर्फ आपको याद करना है, ये चीज याद रखना। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो इनका समय था 1912 से 1996, देखो मृत्यु तो देखो बाकी जन्म की है, बाकी तो बहुत ज्यादा जो फेमस आर्टिस्ट हैं, तो फेमस तो ये भी है, बहुत ज्यादा फेमस है, तो लेकिन 1912 से 1996 तक इनका समय चला था, लेकिन सिर्फ जो मृत्यु सिर्फ उसी आर्टिस्ट की पूछता है जिनका जीवन काल बहुत कम होता है। ठीक है, जो बहुत ही मतलब स्टार्टिंग में, मतलब जो 23, 24, 30 तक की एज में या 35 तक की एज में जिनकी डेथ हो जाती है उनका सबसे ज्यादा उनकी मृत्यु पूछी जाती है, या फिर उनकी मृत्यु पूछी जाती है जिनका पूरा जो सिर्फ मरने के बाद ही उनको वो फेमस हुए हो, तो सिर्फ उन्हीं की ही मतलब मृत्यु पूछी जाती है, ये चीज याद रख लेना। मैं बार बार यही चीज होती है, इतना ज्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है कि सबकी DOB याद कर रहे हैं, तो बिल्कुल सबकी DOB याद करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जन्म की बात करते हैं, तो जन्म की अभी हमने बताया था, तो आप लोग भी आंसर दीजिए कि इनका जन्म है। सबसे पहले चीज, एक चीज और बता देते हैं कि आर्टिस्ट में सबसे पहले ये चीज जरूर याद कर लेना कि ये कहां से, मतलब कहां से बिलोंग करते थे, कहां के रहने वाले थे, ये चीज आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो ये सबसे पहले हम बात करेंगे ये कहां के थे, कर्नाटक, कहां से, कर्नाटक, ये चीज याद कर लेना। एक एक चीज पॉइंट धीरे धीरे हम करके बढ़ेंगे, और आप बिल्कुल भी कोई भी, बार बार मैं यही चीज कहती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट है तो जल्दबाजी करते हैं, तो आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है और अच्छे से आराम से पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी इतनी लंबी क्लास भी नहीं होती है आपको कि आपकी इतनी ज्यादा लंबी क्लास हो, तो बाकी मुश्किल से आपकी आधे घंटे 25 मिनट 28 मिनट यही आपकी क्लास होती है, इतना अगर आपने टाइम दे दिया है खुद पर तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके, चलिए, तो फिर हम बात करते हैं जन्म है यहाँ पर कर्नाटक, तो आपको पता ही है सर है, तो यहाँ पर 1912 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर गाँव कौन सा हो जाएगा, गाँव का नाम इनका था कंटेग्री। ठीक है, कंटेग्री एक गांव था, तो यहाँ पर इनका एक जन्म हुआ था। अगर यहाँ पर ये चीज तो नहीं पूछता है, यहाँ पर यही चीज पूछेगा कि कहाँ से है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कर्नाटक। ओके, चलिए, तो हम अब बात करते हैं, दूसरा बात करते हैं शिक्षक, तो आपको बताना है कि ये शिक्षक कहाँ के थे, तो जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि के हैब्बर कहाँ के शिक्षक थे, उनको कहाँ का शिक्षक नियुक्त करा गया था, जल्दी से बताइए लाइव चैट में, फिर मैं बताती हूँ आपको कि ये इनको शिक्षा, मतलब जो शिक्षक बने थे वो कहाँ के थे। ठीक है, तो बता देते हैं जे जे स्कूल ऑफ आर्ट। ओके, जे स्कूल ऑफ आर्ट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। देखो, ये बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है कहाँ के शिक्षक है, कहाँ के प्रधानाचार्य है, कहाँ के अध्यक्ष है, ये चीज जरूर याद करिएगा, और मैंने यहाँ पर सारा मेंशन कर रखा है, आपको एक एक करके एक एक चीज बताएंगे। ओके, चलिए, जे स्कूल ऑफ आर्ट है, और ये कहाँ है आपको भी पता है, ये कहाँ है, मुंबई। तो जल्दी से लाइव चैट में भी बताते जाइए, साथ साथ में बताते जाइए, साथ साथ में पढ़िएगा, तो पढ़ने का साथ साथ में पढ़ने का ही अलग ही मजा होता है, तो आप साथ साथ में भी आंसर देते रहिएगा। ओके,
चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ से कौन सी भारतीय गुफाओं का भ्रमण किया था, किसने, के हैबर्ड ने कौन सी भारतीय गुफाओं का भ्रमण किया था, तो बताइए जल्दी से कि उन्होंने। अब देखो जब किसी का, जो कोई भी आर्टिस्ट होता है किसी का भी भ्रमण कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहां से उनका कोई ना कोई तो प्रभाव जरूर पड़ेगा, आप भी जानते हैं। तो इन्होंने कम से कम मतलब अजंता का भी इन्होंने भ्रमण किया था और एलोरा का भी किया था और मतलब कार्ले का भी किया था और भाजा, ठीक है, ये सब गुफाओं का इन्होंने भ्रमण किया था। ये चीज इनको क्या करना है, अजंता, भाजा, कार्ले और एलोरा, ठीक है, याद रखना अजंता। ये चीज एग्जाम में पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन मैं बता देती हूं कि ताकि आपको इनकी हिस्ट्री पता चले, ताकि आपको उसको याद करने में, आर्टिस्ट को याद करने में आसान लगेगा। वो सब आप भूल जाइए, उस तरीके से पढ़ने का बिल्कुल भूल जाइए कि यहाँ पर एक ऑप्शन दे दिया कि मुर्गों की लड़ाई की किसका चित्र है तो टिक लगाना है, नहीं, श्रद्धा किसका चित्र है ये लगाना है, किसका नहीं है, ये किसका चित्र है, ये किसका चित्र, ये चीज भूल जाइए। आप बिल्कुल इस तरह से पढ़िए, आपका सिलेक्शन 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पे अजंता का करा था और किसका करा था, जल्दी से बताते जाइए, साथ साथ में आंसर भी देते जाइए, आप लोग आंसर देते हैं बहुत अच्छा लगता है। अजंता हो गया, भाजा हो गया और कार्ले गुफा हो गई और चौथी एलोरा। ओके ये चीज याद कर लिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अजंता, भाजा, कार्ले, एलोरा। अब यहाँ पर आप भी जानते हैं कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा विशेषता थी, मुख्य विशेषता थी किसकी थी, रेखांकन की थी। तो यहाँ पर के हैबर को रेखांकन का, यानी कि जो रेखांकन है उन पर प्रभाव पड़ा, तो रेखांकन इनका मतलब विशेषता थी, किसकी, के हैबर की विशेषता थी रेखांकन, इनकी सशक्त रेखांकन, यानी कि लयात्मक, लयात्मक सशक्त मतलब दृढ़ होता है, मजबूत वाली रेखाएं होती है। पहले भी इस टाइप से भी क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में भी हम बताएंगे, ठीक है। चलिए अब हम फोर पॉइंट पर पढ़ते हैं कि 1981 से 1984 के मध्य किस अकादमी का अध्यक्ष रहे। यहाँ पर पूछ रहा है कि किस अकादमी के अध्यक्ष रहे हैं। देखो अध्यक्ष तो ये और भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है किस अकादमी के। देखो अकादमी ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह है, अकादमी भी तो बहुत सारी है। तो यहाँ पर बता देते हैं कि 1984 के मध्य जो किस अकादमी के अध्यक्ष रहे हैं, तो आप भी लाइव चैट में बताइए कि किस अकादमी के अध्यक्ष रहे, ठीक है। तो यहाँ पर बता देते हैं कि किसके थे, ललित कला अकादमी, किसके थे, ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी हो जाएगा। एक है दिल्ली में, दिल्ली में भी थे और दूसरा कर्नाटक में भी, ठीक है, ये दोनों के ही अध्यक्ष रहे। कौन से के, किसके किसके बीच में, 1981 और 1984 के मध्य कौन से अध्यक्ष रहे, के हैबर रहे हैं, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इसके ये चीज आपके चार पॉइंट क्लियर हो गए हैं, जन्म हो गया है, शिक्षक हो गया है, कौन सी भारतीय गुफाओं का भ्रमण किया है, 1984 है ये भी आपका हो गया है, किस अकादमी के मतलब तीन बार यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो इस ये पहले क्वेश्चन का ये वाला एक मैं रेस कर देती हूँ, इरेज, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1981 फोर पॉइंट है, तो यहाँ पर आप भी जानते हैं ललित कला अकादमी दिल्ली कर्नाटक के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक रह गया है, हाँ यहाँ से, आर्टिस्ट सेंटर मुंबई, देखो आर्टिस्ट सेंटर मुंबई तथा आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के भी अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है, ये चीज भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। आर्टिस्ट सेंटर मुंबई तथा आर्ट सोसाइटी, वो सोसाइटी, देखो बोलती, ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है, पर मतलब लिखा कुछ होता है, बोलती कुछ और हूँ, लिखती कुछ और हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये चीज। और एक चीज, 1981 में कौन से अध्यक्ष कहाँ के रहे हैं, दिल्ली के भी रहे हैं, कर्नाटक के भी रहे हैं, ये चीज याद कर रखना। और किसके किसके बीच में, 1981 और 1984 के बीच में। अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर किस अकादमी द्वारा दिल्ली में तीन बार इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अब ये तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कौन से ऐसा कलाकार है जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, तीन बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, हो सकता है कि कौन से आर्टिस्ट के, तीन आर्टिस्ट ऐसे रख दे जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला हो और यहाँ पर एक आर्टिस्ट आपका हैबर रख दिया जाता है, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं कि जो तीन बार मतलब जो ललित कला अकादमी यहाँ पर किस अकादमी, तो यहाँ पर लिख देते हैं यही है आपका आंसर, ललित कला अकादमी, कौन सा हो जाएगा, ललित कला अकादमी। बाकी सब लोग आंसर दीजिए ललित कला अकादमी। आप लोग को चाहे उल्टा सीधा कैसा भी, जैसा भी आपको आंसर आता है, आप कोशिश करा करिए कि जितने भी स्टूडेंट उस पर जुड़ते हैं, सारे के सारे स्टूडेंट, कैसे भी आपको, जैसे भी आपको लगता है कि ऐसा आंसर हो सकता है, कोई किसी को, देखो यहाँ पर कोई जानता नहीं, कोई किसी की इंसल्ट नहीं, आप लोग तो वैसे भी बड़े हो चुके हो, छोटे होते थे तो बहुत ज्यादा डर लगता था,
आंसर देने में कि हाँ कि हमारी क्लास में इंसल्ट ना हो जाए कहीं नहीं। यहाँ पर तो कुछ भी बोलो कुछ भी करो, यहाँ पर तो सब लोग बिल्कुल आजाद हो जाते हैं ट्वेल्थ के बाद से। तो बिल्कुल आप बेफिक्र होके बिना हिचक के आप आंसर दीजिए, कैसा भी गलत भी देते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाकी तो मैं अब बता ही रही हूं तो आप सही भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे पद्मश्री मिला है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर जो है ये पद्मश्री वाला है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप समझ सकते हैं कि इनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है, पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है, इवन इनको पद्म भूषण का भी पुरस्कार मिला है। याद भी रखना, देखो बहुत सारे, देखो एक बाद में आर्टिस्ट होने के बाद में इस सारे पुरस्कार एक बार लिखवा दूंगी कि किसको पद्म भूषण मिला है, किसको पद्मश्री मिला है और किसको पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। ये भी चीज लिखवा दूंगी। और कालिदास सम्मान पुरस्कार किसको भी मिला है और किसको नोबेल पुरस्कार मिला है, किसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, सब आपकी एक लिस्ट बनवा दूंगी। बस आप कोशिश करा करिए, जितने भी स्टूडेंट है साथ में जुड़े रहिएगा। अगर आप तभी बेनिफिट मिल सकता है जब आप लगातार इसको वॉच करेंगे, ये नहीं कि छोड़ छोड़ के कर लिया तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, यहाँ से फिर समझ में भी नहीं आएगा कि मैं कहाँ से चल रही हूँ कहाँ से नहीं। चलिए पद्मश्री जो पुरस्कार मिला था, तो जल्दी से इसकी डेट बताइए कि इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था कौन सी डेट में मिला था, जल्दी से बताइए। 1961, ठीक है, ये चीज याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है पद्मश्री वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इनको पद्म भूषण की, बात करते हैं तो इनको जो पद्म भूषण को जो इनको पुरस्कार मिला था, तो जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि उनको जो पद्म भूषण का जो मिला था वो कब मिला था, जल्दी से बताइए, बताइए आंसर। 1989, ओके okay, तो ये तो आपके यहाँ पर 6 पॉइंट हो गए। और कोई भी स्टूडेंट मेरी तो क्लास में, मैं बार बार कहती हूँ मेरी क्लास में जब किया करो, जो भी स्टूडेंट जुड़ेंगे, चाहे जुड़े ही चाहे कितने भी जुड़े, मुझे कोई वो नहीं है, जितने भी जुड़े तो बस जल्दबाजी ना करिए, बस इतना ही कहूंगी आपसे, अच्छे से पढ़िए, आपका सिलेक्शन पक्का है। मैं इतनी गारंटी दे रही हूँ, अगर मैंने पढ़ा दिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है, जितना पढ़ाऊंगी बहुत अच्छा पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं महाराजा गौरव तथा सोवियत लैंड, मतलब सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इनको मिला है। अब खुद सोचिए कि के हैबर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको इतना ज्यादा इतना फेमस है, इतने सारे पुरस्कार मिले हैं, तो के हैबर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। इतना तो आप समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पर इतने सारे पुरस्कार मिले हैं, इतने फेमस हैं, और इनकी इतनी सारी पेंटिंग्स भी इतनी सारी फेमस है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। चलिए तो ये आपका तो मैंने बता ही दिया, अच्छा ये वाला नहीं बताया है, तो 1961 में इनको पद्मश्री मिला, पद्म भूषण 1989 में मिला है, और 99 में इनको महाराजा गौरव तथा सोवियत लैंड नेहरू का पुरस्कार भी मिला है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आर्टिस्ट सेंटर मुंबई तथा आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडियन के अध्यक्ष बने हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, तो ये तो आपका हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि जो के हैबर की जो प्रसिद्धि रही, जो इनकी के हैबर की प्रसिद्धि रही किसके लिए रही। देखो सारे के मैंने जितने भी आर्टिस्ट कराती हूँ सबको बता देती हूँ कि कौन सा बिंदुवादी है कलाकार, कौन सा भित्ति चित्रकारी है, कौन सा ग्राफिक से रिलेटेड है, कौन सा नव बंगाल से है, कौन सा बंगाल से है, ठीक है, तो ये चीज भी याद रखिएगा, सबका मैं एक एक चीज सबको बता दूंगी, ठीक है। तो जो हैबर है इनकी प्रसिद्धि रही, तो जल्दी से लाइव चैट में बताइए, बिल्कुल अभी मैंने स्टार्टिंग करने से ही पहले बताया था कि हैबर का जो इनकी प्रसिद्धि रही है वो किस में रही है, लयात्मक रेखांकन में रही है, किस में रही है, लयात्मक रेखांकन, याद करिएगा, लयात्मक रेखांकन है और सशक्त रेखांकन, किस में हो गई, सशक्त रेखांकन, सशक्त, ठीक है, ये चीज याद रखना, सशक्त मतलब होता है दृढ़ या फिर मजबूत होता है या फिर स्ट्रांग होता है, जो भी है, तो इनकी लयात्मक रेखांकन सशक्त रेखांकन के लिए के हैबर के लिए जाना जाता है, ठीक है, ये चीज आपको याद करना है। अब हम बात करते हैं 10 पॉइंट है, किस भारतीय कलाकार से प्रभावित थे, यानी कि जो के हैबर थे वो किस भारतीय कलाकार से प्रभावित थे, आपको एक भारतीय कलाकार का नाम बताना है। अगर हम भारतीय कलाकार की बात करें तो जल्दी से पहले आप लोग भी लाइव चैट में आंसर दिया करिए, मैं आपको लिए इंतजार करती हूँ, तब तक मैं इसीलिए बातें करती रहती हूँ कि ताकि आप लोग भी आंसर देने में, क्योंकि टाइपिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, अगर मान लो क्लास होती ऑफलाइन होती तो आप आराम से खड़े होकर बात मतलब आंसर दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो है बात कह रहे हैं किस भारतीय कलाकार से प्रभावित थे, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं अमृता शेरगिल से थे। और अमृता शेरगिल, जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि अमृता शेरगिल किस कलाकार से, किस यूरोपीय कलाकार से प्रभावित थी, जल्दी से बताइए लाइव चैट में, अमृता शेरगिल, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, अमृता शेरगिल से प्रभावित थी, याद रखिएगा। देखो अमृता शेरगिल है
वो जो के हब्बर है उनसे प्रभावित थे, लेकिन अमृता शेगिल हैं वो किससे प्रभावित थी, यूरोपीय कलाकार पॉल गॉगिन से प्रभावित थी। अब आप समझ ही सकते हैं कि इनका जो के हब्बर है, तो यहाँ पर बता सकते हैं कि इनका अमृता शेगिल के साथ साथ पॉल गॉगिन का भी प्रभाव पड़ा। ठीक है, अगर हम यूरोपीय कलाकार की बात करें तो यूरोपीय कलाकार में किसकी बात करेंगे, हम पॉल गॉगिन की बात करेंगे, कलाकार पॉल गॉगिन, ये चीज याद रख लेना। ठीक है, पॉल गॉगिन हो जाएगा। चलिए, ये चीज मैंने आपको यहां तक बता दी। कितने आपके पॉइंट हो गए, 10 पॉइंट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 10 पॉइंट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इनके जो विषय थे। देखो इनके जो विषय हैं, पहले तो इन्होंने तैल चित्र में काम किया था, यूरोपीय कलाकार से प्रभावित थे, अमृता शेरगिल के भी प्रभावित थे। तो यहाँ पर जो इन्होंने काम किया था जो था ग्रामीण जीवन के इनके चित्र बने हुए थे, ग्रामीण जीवन है। ठीक है, ग्रामीण जीवन है, और या फिर इनको बोल सकते हैं नृत्य से संबंधित इनके चित्र बने हुए हैं। अभी आप देखेंगे कि नृत्य से कौन कौन से चित्र बने हुए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं डिवोशनल डांस है और डांसिंग लेडी है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, डिवोशनल डांस और डांसिंग लेडी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने नृत्य संबंधी चित्र भी बनाए हैं, ये भी चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पर आपके इतने पॉइंट्स हो गए हैं, कितने हो गए, 11 पॉइंट्स हो गए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पेरिस की जो प्रदर्शनी में किस चित्र को प्रदर्शित किया था, किस चित्र को प्रदर्शित किया था, तो यहाँ पर ये वाला भी पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ की, किसकी प्रदर्शनी में, पेरिस की प्रदर्शनी में। अगर हम पेरिस की प्रदर्शनी की बात करें तो यहाँ पर जो चित्र है ये मिल गया है। यहाँ पर पेरिस की प्रदर्शनी में जो चित्र प्रदर्शित किया था कौन सा है, साधु हो जाएगा। ठीक है, ये चीज भी याद रखिएगा। अब इतना आपका हो गया है, 12 पॉइंट आपके कंप्लीट हो गया है। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ साधु। चलिए चलिए अब हम बात करते हैं 13 पॉइंट है, हैब्बर के अंतिम दिनों के चित्र शैली थे। यहाँ पर जो इनके हैब्बर के अंतिम दिनों के जो चित्र शैली हैं, तो यहाँ पर जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि इनके जो अंतिम दिनों के चित्र बनाए गए थे वो कौन से, मतलब किस कला से थे, मतलब कैसे चित्र उनके थे, यानी कौन से विषय थे जो इनके अंतिम दिनों में चित्र बनाए थे। अब स्टार्टिंग में होता है ना कि लोग मतलब स्टार्टिंग में होते हैं, यंग होते हैं, तो अपना अलग ही उनका होता है, रोज वाली चीजें बनाती हैं, दैनिक जीवन वाली चीज लोगों को देखते हैं उस टाइप के चित्र बना लेते हैं, जैसे कि अणुबम का विस्फोट हो गया, विक्टिम हो गया, ये सब चित्र आपको हमने बनाए होंगे कि जैसे कि बहुत ज्यादा पीड़ित हो गया, यहाँ पे अणुबम का विस्फोट हो गया, तो यहाँ पे जो मतलब जो चलता रहता है उसके संबंधित चित्र बना लेते हैं। फिर उन्होंने अपना जो अंतिम दिनों में उन्होंने चित्र जो बनाए थे शास्त्रीय कला में बनाए थे। ठीक है, शास्त्रीय कला यूरोपीय में पढ़ाएंगे तो पूरा आपको बताएंगे शास्त्रीय कला में क्या क्या है। ठीक है, तो शास्त्रीय कला तो आप जानते ही हैं क्या होता है। ठीक है, तो हैब्बर के रेखा चित्रों का संग्रह कहां पर है। ठीक है, तो हैब्बर के रेखा चित्रों का संग्रह कहां पर है, ये भी जल्दी से आप लाइव चैट में आंसर दीजिए। जो हैब्बर के रेखा चित्रों का संग्रह है वो कहां पर है, कहां पर हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा। कहां पर, मुंबई में हो जाएगा, या फिर बॉम्बे, जो मतलब पहले का बता सकते हैं कि बॉम्बे। ठीक है, किस ग्रुप के नेता थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। देखो मैंने ये चीज बताया है, देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बता देते हैं, ये भी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे विषय इतना ज्यादा पूछता नहीं है, किस भारतीय कलाकार से प्रभावित थे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये भी वाला इंपॉर्टेंट है, ये चीज तो मैंने आपको बता ही दिया है, शिक्षक है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितना है बाकी सब लोग ही याद कर लेना, कोशिश करिएगा कि आप कम से कम एक दो बार वीडियो वॉच करते ही आपको याद हो जाएगा, और देखते देखते आप सीधे सीधे जैसे मैं लिखती जा रही हूँ आप अपने हैंड रिटन भी नोट्स बनाइएगा। यहाँ से इतने अच्छे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, आप तो यहाँ पर बैच भी ज्वाइन करेंगे कहीं भी, तब भी इतना ज्यादा आपको अच्छा नहीं मिलेगा। आपको मैं पूरा पढ़ाऊंगी, एक एक चीज पढ़ाऊंगी कि ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। ठीक है, चलिए तो सारे स्टूडेंट पहले तो ये बता दीजिए कि सबको समझ में आ रहा है, या मैं फिर बोलती ही जा रही हूँ, मैं कम से कम बार बार पूछ लेती हूँ कि ऐसे तो क्या है, मैं बोलती ही जाती हूँ। ठीक है, तो साथ साथ में ये भी बता दीजिए कि जितना मैं आपको समझा रही हूँ उतना आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी आप साथ में बताते जाइएगा। ओके, बताइए जल्दी से, बताइए कि समझ में आ रहा है या नहीं, या फिर मैं बोलती ही जा रही हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं किस ग्रुप के नेता थे, के हब्बर के जो चित्रों का संग्रह है यहाँ पर, किस ग्रुप के नेता थे, जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन बताता है, किस ग्रुप के नेता थे, जल्दी से बताइए यहाँ पर जो है आंसर बताइए, किस ग्रुप के नेता थे। यहाँ पर जो ग्रुप के नेता थे कौन सा हो जाएगा, बॉम्बे ग्रुप। जल्दी से बताइए कि बॉम्बे ग्रुप की स्थापना कहाँ हुई थी, जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन बताता है, बॉम्बे ग्रुप की स्थापना
कहाँ हुई थी, के हैबर के रेखा चित्रों का संग्रह, ये थोड़ा डाउट में लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बता दूंगी, अभी मैं आपको गलत नहीं बताऊंगी, मैं इतनी तो गारंटी दे रही हूँ कि आपको एक भी क्वेश्चन में गलत नहीं बताऊंगी, क्योंकि ऐसा होता है ना, मैं लिखते लिखते हो जाता है कि आपको हो सकता है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, लेकिन यहां से जितना मैं आपको पढ़ाऊंगी एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल राइट क्वेश्चन बताऊंगी, गलत अगर नहीं, अगर गलत भी मुझे डाउट भी लग रहा है ना उसको मैं छोड़ सकती हूँ, लेकिन आपको गलत बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगी, इस बात की मेरी 100% गारंटी मैं देती हूँ आपको, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं पढ़ाऊंगी, बाकी क्वेश्चन जो होता है डाउट में, जो डाउट में होता है वो छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं आपको गलत नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं बॉम्बे ग्रुप की स्थापना, ठीक है, बॉम्बे ग्रुप की स्थापना है, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो बॉम्बे ग्रुप की स्थापना है वो कहाँ पर है, ठीक है, तो आपको ये कमेंट में मिल जाएगा, ये वाला है कमेंट में मैं तुरंत लिख दूंगी, क्या है, बॉम्बे ग्रुप की स्थापना है, बॉम्बे ग्रुप की, ठीक है, तो कमेंट में इसको देख लीजिएगा। चलिए बॉम्बे ग्रुप की जो स्थापना है वो कौन सी, मतलब कब हुई थी, जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि बॉम्बे ग्रुप की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, ये भी बहुत ज्यादा, देखो हर ग्रुप की तो कम से कम आप डेट तो जरूर याद कर लेना, ठीक है, डेट जरूर याद कर लेना, डेट बहुत बार पूछ लिया जाता है, जितने भी ग्रुप हैं एक काम करेंगे, जितने भी ग्रुप हैं आपको संडे वाले दिन, कोशिश करूंगी कि संडे वाले दिन टाइम मिलेगा तो आपके एक एक करके कम से कम 2-3 ग्रुप में डाल दूंगी, तो उसको भी वॉच करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे बॉम्बे ग्रुप की स्थापना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला भी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस ग्रुप के नेता है ये भी है, और यहाँ पर इतना मैंने आपको बता दिया है सब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर याद करेंगे तभी आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, इतना जितना है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी तो स्क्रीनशॉट तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, मैं तो कहती हूँ थोड़ा ही टाइम लगेगा आपको, मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे आपको मतलब नोट डाउन करने में, तो कोशिश करा करिए कि आप नोट डाउन करिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो उनके लेख थे, लाइफ ऑफ आर्ट था और लाइन ऑफ सिंप्लिसिटी था, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं इनकी चित्र की बात करते हैं, चित्र भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर इसने बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि इतने सारे चित्र हैं तो उसको कैसे याद करेंगे, इतनी सारी पेंटिंग है तो कैसे याद करेंगे, मैं बताती हूँ कि सिर्फ आपको इसको याद करने का क्या तरीका है। देखो यहाँ पर बस ये है कि आपको जो पहले देखो ये जो चित्र हैं जो बहुत ज्यादा राष्ट्रीय संग्रहालय वाले होते हैं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों चित्र हैं जो बांग्लादेश का जन्म है और कविता का जन्म है, इतना बांग्लादेश का जन्म नीचे भी लिख रखा है शायद मैंने। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं ये दोनों ही दोनों कहाँ पर है, NGMA में है, ठीक है, कहाँ पर है, NGMA, ठीक है, याद रखना। अब हम मुर्गों की लड़ाई करते हैं, कॉक फाइट है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद ही याद करना, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पहले के एग्जाम में ज्यादा आता था लेकिन अब के एग्जाम में थोड़ा कम आता है तो इतना ज्यादा नहीं पूछते हैं। अब हम बात करते हैं लय प्रवाह रिदम, तो लय प्रवाह रिदम तो आप जानते ही हैं कि इनका जो चित्र है तो कंटे मतलब जो के हैबर है कंटेग्री है, तो इनको आप जानते ही हैं कि ये लयात्मक जो रेखाएं हैं, जो लयात्मक रेखाओं का इनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था और इनका विशेषता थी, तो क्योंकि इन्होंने भ्रमण किया था अजंता का, काले का, भाजा का, और यहाँ पर आप भी जानते हैं कि जो एलोरा और ये सब है, तो इनकी जो विशेषता थी वो क्या थी, रेखांकन थी, तो इसी टाइप के इन्होंने चित्र बनाए थे, ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लय प्रभा धान कूटते हुए, तो धान कूटते हुए तो अभी मैंने आपको बताया ही था जो के हैबर है, तो के हैबर के जो ज्यादा चित्र जो विषय इनके रहे हैं वो ग्रामीण जीवन से रहे हैं, यानी कि खेत से रहे हैं, तो खेत से रहे हैं तो इनको धान कूटते हुए भी दिखाया हुआ है। अब हम बात करते हैं इनका श्रद्धा का, तो श्रद्धा भी उनको भी बाद में उसके बाद उन्होंने अपने यहाँ पर कितने शास्त्रीय में आ गए, अब वो किसने मतलब अंतिम दिनों में जब आ गए तो शास्त्रीय मतलब शास्त्रीय पर चित्र बनाने लगे, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि उन्होंने श्रद्धा के भी चित्र बनाए हैं, इमारत बनाने वाले मछुआरे भी हैं और इमारत बनाने वाले भी हैं, तो यहाँ पर मछुआरे का भी लिखा है मछुए हैं, ठीक है, मकान बनाने वाले मछुए भी हैं या इमारत बनाने वाले भी हैं, ठीक है, तो ये चीज याद रख लेना कि ग्रामीण जीवन से, तो ग्रामीण के लोगों का ही चित्र बनाया था। ड्रॉट है तो यहाँ पर सूखा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आपको याद करना, एक ये वाला इंपॉर्टेंट है वो है, फ्लड है ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साधु है तो साधु तो मैंने आपको बता ही दिया था, सुनहरे और लाल जोड़ी मतलब लाल जाड़े जोड़ी कह रही हूँ यहाँ पर, तो कैसे लाल जाड़े की रात है, कभी कभी मैं ही पढ़ती तो मुझे खुद ही हंसी आ जाती है। चलिए बाजार जाते ग्रामीण है, तो ग्रामीण का भी मैंने बताया ही था कि ग्रामीण के हैं। महाबलेश्वर है तो महाबलेश्वर हो जाएगा, अणु बम का विस्फोट है, और यहाँ पर ये सब हो जाएगा, खोज है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला भी,
विक्टिम भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। जल्दी से तो लाइव चैट में ये भी बताइए विक्टिम ऑफ हंगर किसका है। विक्टिम ऑफ हंगर में पढ़ा चुकी हूँ, जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि विक्टिम ऑफ हंगर किसका है, जल्दी बताइए। देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है, कितने ब्रिलियंट है, याद करा है तो मैं साथ साथ में पूछती भी जा रही हूँ। विक्टिम ऑफ हंगर किसका है, जल्दी से बताइए। मैं पढ़ा चुकी हूँ एग्जाम में भी ये आपका, मैं पढ़ा चुकी हूँ कम से कम एक दो बार पढ़ा चुकी हूँ, जल्दी से बताइए। दीपावली है, दीपावली, दीपावली मनाने लगे, जब खुश होते हैं तो अच्छे चित्र बनाएंगे, जब दुखी होंगे तो यहाँ पर, अब जब यहाँ पर कोई ऐसा हो जाएगी, कोई न्यूज़ आएगी तो यहाँ पर ऐसे चित्र बनाएंगे, है ना। आर्टिस्ट ऐसे ही होते हैं कि कुछ चीज़ पहले जो ट्रेंड में चल रहा है उसी को सबसे पहले चित्र बना देते हैं, ठीक है। तो बाढ़ आ गई तो बाढ़ सूखा बना दिया, फ्लड ये है ये सब बना दिया, ठीक है। मकान बनाने वाली ये चीज़ मैंने आपको बता ही दिया। और नृत्य पर उन्होंने बनाए ही बनाए थे डिवोशनल डांस और डांसिंग लेडी, ये चीज मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। जो भी स्टूडेंट है पहले तो ये बताइए कि जितना मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे समझ में आया है या नहीं, जल्दी से आपको जल्दी से बताइए कि जितना मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया, ठीक है, बताइए। आपको तो कमेंट करते हैं, और जितने भी स्टूडेंट है कम से कम कमेंट भी करा करिए। कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना है तब भी आप आराम से क्वेरी कर सकते हैं, कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में भी नहीं आता है तब भी आपको उसका आंसर दिया जाएगा, ओके। और बाकी जितने भी स्टूडेंट है ये तो आपको, जो आर्टिस्ट है वो तो आपको 9 बजे मिलेगी ही, और इंडियन हिस्ट्री आपको 2 बजे मिलेगी, ठीक है। ये दो आपकी क्लास चलेंगे ही, और बिल्कुल आप रेगुलरिटी बनाए रखें कि ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट जो उससे जुड़े हुए हैं उनका सिलेक्शन हो जाए, और बहुत अच्छे से पढ़िए। बाकी सबके लिए गॉड ब्लेस यू, बस मेरी यही चीज़ है कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।